आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी MCQ के प्रश्न हैं वे सभी इसमें हैं। तो वे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक MCQ का होता है वे सभी विषयों से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में गांधी जयंती कब मनाई जाती है? भारत में गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सही ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आपका ऑप्शन होगा पोरबंदर, यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म सन 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का क्या नाम था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली बाई। गांधी जी ने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? गांधी जी ने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? सही ऑप्शन होगा सन 1887 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी का पहला क्या नाम था? महात्मा गांधी का पहला नाम क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास। गांधी जी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? गांधी जी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्त। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी के श्रृंखला के बैंक नोट कब जारी किए गए थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1996 में। गांधी जी का पसंदीदा भजन बैसड़ो जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसी मेहता। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू जी ने किया था। गांधी जी को उनके देशवासी प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? गांधी जी को उनके देशवासी प्यार से बापू के नाम से पुकारते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम कहाँ है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है। साबरमती आश्रम पहले क्या कहा जाता था? साबरमती आश्रम पहले सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। गांधी जी की मृत्यु दिवस किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी की मृत्यु दिवस
शहीद दिवस के राम नाम से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1999 में टाइम मैगनीज द्वारा शताब्दी के व्यक्ति के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? सही आपका ऑप्शन होगा, 18वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन को। इतिहास में टाइम मैगनीज ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ ईयर कब नामित किया था? सही आपका ऑप्शन होगा 19वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी 1930 में टाइम मैगनीज ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ ईयर नामित किया था। महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस वर्ष मिली? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस वर्ष मिली? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। उस लोकप्रिय साबिने अवज्ञा आंदोलन का नाम बताइए जिसने भारत का अगस्त जिसे भारत का अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। सत्याग्रह में आग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सत्याग्रह में आग्रह शब्द का क्या अर्थ है? आग्रह शब्द का जो अर्थ है, 23वां आपका प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए आग्रह यानी कि बुलाना। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहां हिरासत में लिया गया था? गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आगा खान पैलेस जेल में हिरासत में लिया गया था। महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को निजी सचिव के रूप में किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महादेव देसाई को। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास किस स्थान पर किया था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। किस तारीख को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? किस तारीख को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को। अगला आपका प्रश्न है अनटू, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत प्रभावित किया, इसके लेखक कौन थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन रस्किन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटाया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? सही ऑप्शन होगा 1931 में। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी सन 1922 को। साइमन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में, जिस समय लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ?
कब शुरू हुआ? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1917 को। गांधी जी ने बुनाई के लिए चरखे का उपयोग कब शुरू किया था? गांधी जी ने बुनाई के लिए चरखे का उपयोग कब किया था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1930 ईस्वी में। गांधी जी किस नेशनल पार्टी के सदस्य थे? गांधी जी किस नेशनल पार्टी के सदस्य थे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? सही ऑप्शन होगा 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। नमक मार्च की समयावधि क्या है? नमक मार्च की समयावधि क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त सन 1920 को। असहयोग आंदोलन कहाँ समाप्त हुआ? असहयोग आंदोलन कहाँ समाप्त हुआ? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जब चौरी चौरा कांड हुआ। गांधी जी ने बिहार के चंपारण की यात्रा कब की थी? गांधी जी ने बिहार के चंपारण की यात्रा 10 अप्रैल 1917 को की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी सन 1948 को जब दिल्ली में बिरला मंदिर पर ये पूजा करने के लिए जा रहे थे। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सही ऑप्शन होगा 12 नवंबर सन 1930 को। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिली? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब मिली? सही आपका ऑप्शन होगा जो 45वां आपका प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी 27 जनवरी 1920 को। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? सही आपका ऑप्शन होगा दांडी मार्च, या इसी को नमक मार्च के नाम से जाना जाता है। इसके वजह से गांधी जी ने भारत के ग्रामीण, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के रूप में क्या प्रयोग किया? सही आपका ऑप्शन होगा हाथ से काते हुए सूत से बुनी हुई एक छोटी धोती। सम्मानित उपाधि महात्मा का क्या अर्थ है? सम्मानित उपाधि महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा या महान आदरणीय। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि कर में सुधार। वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इनर टेंपल लंदन से। 1914 में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई थी? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? सन 1942 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी के बेटे का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बेटे का नाम
क्या था? तो सभी ऑप्शन होगा यानी मनीलाल, हरीलाल, रामदास और देवदास, ये चारों इनके लड़के थे। गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी कि राम राज और स्वराज के लिए महात्मा गांधी जी ने देश के लोगों से आह्वान किया था। तो सभी प्रश्न जो दिए गए महात्मा गांधी से ही जुड़े हुए हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।